गोरखपुर महोत्सव का आगाज 11 से 13 जनवरी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 11 जनवरी को प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक करेंगे और समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर महोत्सव के संबंध में आयुक्त सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, जिला प्रशासन व स्थानीय उद्यमियों के संयुक्त प्रयास से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रो द्वारा शास्त्रीय, उपशास्त्रीय एवं लोक विधा की गायन एवं नृत्य प्रस्तुतियां की जाएंगी। महोत्सव में बॉलीवुड कलाकार भी अपनी प्रस्तुति करेंगे। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक सुखविंदर सिंह, मोहित चौहान, भजन गायक सुरेश वाडेकर व भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा महोत्सव में अपनी आवाज की जादू बिखेरेंगी। समारोह में शिल्प मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न हस्तशिल्प स्टॉल, वाणिज्य स्टॉल आदि के माध्यम से हस्तशिल्प एवं वाणिज्य गतिविधियों का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंपा देवी पार्क में पैरा मोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग का आयोजन भी किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। महोत्सव के दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं रीजनल स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। महोत्सव में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों की भागीदारी भी रहेगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम का यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, अपर आयुक्त अजय कांत, सैनी क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया। महोत्सव का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाए और जो समापन समारोह है माननीय मुख्यमंत्री। इस वर्ष 11 से 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जो शिल्प मेला रहता है वो 11 से 17 जनवरी तक रहेगा। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन और जो स्थानीय उद्यमी हैं, यहाँ के नागरिक हैं गोरखपुर, उन सभी के तरफ से किया जा रहा है। इस बार इसमें खेल विभाग और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग से भी हम लोगों को सहायता मिल रही है। इस बार जो शिल्प मेला लगाया जा रहा है उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्पी आएंगे। लगभग 100 स्टॉल शिल्पियों के लिए लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा गत वर्ष की भांति साहसिक पर्यटन वर्ग को बढ़ावा देने के लिए चंपा देवी पार्क में पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलूनिंग की व्यवस्था की गई है। खेलकूद का आयोजन इस बार थोड़ा पहले से प्रारंभ हो जाएगा और इस बार फुटबॉल प्रतियोगिता को भी सम्मिलित किया गया है। इस बार विशेष जो हम लोगों ने जोर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो अपने युवक मंगल दल आदि के माध्यम से खेल कूदों का आयोजन करते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसी प्रकार जो विद्यालयों की प्रतियोगिता है, जो बच्चों की प्रतियोगिता है, चाहे वो क्विज हो, निबंध प्रतियोगिता हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, उन सभी में जिस प्रकार पहले बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था वो प्रतिभागिता का हिस्सा बना रहे। साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं उनके बच्चों का भी पर्याप्त पार्टिसिपेशन है। इस बार हम लोग ये विशेष प्रयास कर रहे हैं। पूरे दिन भर के बताएं, पूरा दिन का कार्यक्रम बता दीजिए, कार्यक्रम बता दीजिए 11-13 तक। देखिए जो रात का जो बॉलीवुड नाइट का कार्यक्रम होता है प्रथम दिन उसमें सुखविंदर सिंह जी को आमंत्रित किया गया है जो मुख्य कार्यक्रम उनका रहेगा। इसके अलावा जो दूसरे दिन भोजपुरी कार्यक्रम है उसमें शारदा सिन्हा जी को आमंत्रित किया गया और तीसरे दिन जो बॉलीवुड नाइट का आयोजन है उसमें मोहित चौहान जी को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा तीसरे दिन सुरेश वाडेकर जी की भजन प्रस्तुति भी रहेगी और साथ साथ हमने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को भी तीनों दिन आमंत्रित किया है जो दिन भर लोगों के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। गोरखपुर महोत्सव का थीम सॉन्ग जो पिछले साल था इस साल वही थीम सॉन्ग रखा गया। हाँ, जैसा मैंने बताया कि इस बार विशेष प्रयास हमने किया है कि अधिक से अधिक रीच कार्यक्रम के न केवल शहर के बच्चे और बड़े विद्यालयों के बच्चे भाग लें बल्कि दूर दराज के बच्चे और ऐसे बच्चे जो किसी आयोजन में भाग नहीं ले पाते हैं उन विद्यालयों को भी एक्टिवेट करके जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग का तंत्र है उसके माध्यम से अधिक से अधिक उनको प्रोत्साहित करके उनका पार्टिसिपेशन कराया जाए जिससे उनकी भी जो प्रतिभा है वो सामने आए और उनको भी सीखने का मौका मिला।
खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ आयोजन होगा? खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन मुख्यतः जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहीं किया जाएगा। साल के कार्यक्रम की समीक्षा की थी, उसमें यही बताया गया था कि कुछ असुविधा हुई थी पास आदि को लेकर, तो इस बार हम लोग डीएम साहब एसएसपी साहब के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पास की और आने जाने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, वो पहले से अच्छी और सुचारू व्यवस्था हो जिससे किसी को कोई दिक्कत ना आए। आयोजक होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करता है, उस हिसाब से उनको पास दिए, तो जो उनके स्वामी हैं उनसे अनुमति लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता हम लोग और करा रहे हैं, जिससे कि लोगों की कला भी सामने और टेरोमैथी की प्रतियोगिता हुई है, जिसके बाद हम लोगों ने महोत्सव का पार्ट उसको बनाया।